कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेध शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। आज बच्चे माँ बाप से कहते हैं आपसे इतनी बार कह दिया आप ये चीज दिलाते नहीं, कभी झांक कर देखो कि उस माँ ने अपने त्योहारों पर कपड़े नहीं बनाए, बाप जूते पहने पुराने फिर रहा है, लेकिन बाप ने तुझे वो चीजें दी जो अपने जीवन में नहीं ले पाया। एक बेटा ऐसे ही शिकायत करता था बाप से कि तुम मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलाते, मोटरसाइकिल नहीं दिलाते। अचानक धूप थी तो बाप का जूता पहन के चला गया, थोड़ी दूर गया तो पैर में बहुत चुभा, देखा तो खून निकल आया। उसने देखा क्या बात है, तो उसमें एक पर्ची लिखी थी कि जब उसे याद आती थी पिताजी को तो लगती थी जूता ऐसे ही चला लूँगा, लेकिन बेटे के लिए मोटरसाइकिल दिलाना है। पता था जूता जहाँ से टूट गया था माँ से बाप ने कील लगा रखी थी, लेकिन उसे पता था पिताजी पे साइकिल तक नहीं है, पिताजी ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है। ध्यान रखना, आज हम घर घर में अपने बच्चों को भी अपनी बच्चियों को भी यदि पद्म पुराण पढ़ाकर भेजें, हरिवंश पुराण पढ़ाकर भेजें, तो हमारी बेटियों के बच्चों के जीवन में कभी दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, कभी वो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। लेकिन हम कहाँ करते हैं, हम मोह के कारण, हमारा ऐसा मोह है दादा दादी से अलग कर देते हैं। बोले इनको मत रखा करो, आप मत बोला करो, आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आपकी बहुएं कुछ ऐसा नहीं कहती हैं, वरना दिल्ली उल्ली की हालत देखो जाकर, बद से बदतर हैं। हमारे एक भक्त हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ एक एक बेटे को दिया है, 3-3 करोड़ की कोटी दी है, और बाप बीमार हो जाए तो बहू कहती है कि इनको यही काम नहीं रहेगा तुम्हें दिखाने जाएंगे, तुम अपने आप से कोई सर्वेंट रख लो वो तुम्हें दिखाकर आएगा। लेकिन वो ही क्या कहता है, मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप तो इससे अच्छा कहीं और रह लो, इतने निकम्मे बेटों से खाना नहीं देती, टाइम पर नौकर बनाता तब भी बोलती नहीं कि खा लो, तो क्यों रहते हो। लेकिन वो बड़ी हथकड़ी है, वो बड़ा खतरनाक है। बोले आखिर हैं तो अपने बच्चे, देख तो लेता हूँ। ध्यान रखना, अपने आप को नहीं देख रहा है कि इतनी संकलेश में जीकर कहाँ जाएगा, बेटों को देखने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमारी और आपकी हालत भी यही रहेगी। हम कहते हैं मोह दूर ही रहा करे, कहां मोह दूर है। हम बचपन में थे तो सिर्फ 1-2 खिलौनों को रोल लेते थे, बड़े हुए तो और परिग्रह बढ़ गया और आसक्ति बढ़ गई। छोटे थे तो जरा सी बात में चुप हो जाते थे, बड़े हुए तो गांठ बांध लेते हैं, मोह की गांठ को इतना प्रगाढ़ कर लेते हैं, राग की गांठ को, क्रोध की गांठों को कहते हैं, जो हंस हंस कर बांधे हैं वो रो रो कर भोगना पड़ेगा, और हाथों की लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ेगा, हाथों से लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ेगा।
लोग कहते हम कौन से रास्ते पे चलें, क्या करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। मैंने कही सड़क कहीं नहीं पहुंचाती है, जो सड़क दुकान तक ले जाती है उससे ही वापिस आओ तो घर तक आ जाते हो। जो चेतना की ऊर्जा हमने आज तक बहिर्मुखी की है उसे अंदर मुखी कर लेंगे तो अपने आप लौट जाएगी। जिसे आज तक हमने बेकार की भावना बेकार की बातों में लगाया है, सच बताना क्रोध हो तो हम सबर करते हैं क्या, रहन दो ना एक घर में रहना, जवाब देकर भी क्या करेंगे नहीं। आज तो इसने कहा तो कहा कैसे, अब सोचो तुम बैर बढ़ा रहे हो। उसने आवेश में कह दिया तो कह दिया, लेकिन तुमने क्या कहा, अब कहा तो शाम तक निपटारा नहीं होगा तब तक खाएंगे नहीं। लो तुमने क्रोध भी बढ़ाया, मान भी बढ़ाया, उसके लिए मायाचारी भी की, और लोभ तो है ही, यश ख्याति सत्ता ये सब का लोभ है। कसाई अकेली नहीं आती, अपनी पूरी पलटन को लेकर आती है। पदार्थ एक है और व्यक्ति अनेक हैं, घर में चीज एक है, जिसे मिल जाएगी उसे अहंकार आ जाएगा और जिसे नहीं मिलेगी उसे क्रोध आ जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि तो कहता है कि वस्तु तो वस्तु है, वस्तु से व्यक्ति बहुत अलग है, पर भावों से ही विकार आते हैं, चाहे वो चेतन पदार्थों चाहे अचेतन पदार्थों, चाहे जड़ पदार्थों चाहे चेतन की परिणति हो। चेतन की परिणति तो शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध है, आज भी हमें परमात्मा के प्रसाद से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारा पुरुषार्थ जिस दिन जितना बाहर में लगता है कि किसी की शिकायत हो रही हो तो सच बताना रसगुल्ले से ज्यादा रस आता है शिकायत में। हम इतने ध्यान से सुनते और क्या हुआ और क्या हुआ, कोई कहे प्रवचन में बैठ जाओ, बोले नहीं जी घर पे काम होता है, किसी की ऐसी वैसी बात हो रही हो बोले और बताओ ना क्या हुआ, कोई कहे जाओ तुम्हारा टाइम हो गया बोले अरे चले जाएंगे घर कहीं भाग रहे क्या। हमारी परिणति देखो, आज भी हम कहते हमने अब तो स्वाध्याय हो गया, अब तो मोह कम हो गया, अब तो राग द्वेष कम हो गया, लेकिन किसी के घर जाते हैं तुम क्या देखते हैं, उसका परिग्रह देखते हैं, उसका बिजनेस देखते हैं, क्यों देखना, उसके गुणों पर ध्यान रखो कि वो अच्छा है ना, सज्जन है ना, मिलनसार है ना, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देखते हैं। ये सोचो कितना पुण्यशाली है कि आनंद से जी रहा है। पुण्यशाली वो नहीं जिसकी बहुत बड़ी कोठियां हैं, पुण्यशाली वो नहीं जिसने अपने पुण्य को रजिस्ट्रियों में लगा रखा है, कागज के बंडल घर पर इकट्ठे कर रखे हैं। पुण्यशाली तो वो गए जो आनंद से खाता है, आनंद से जीता है, प्रत्येक क्षण आनंद में रहता है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे। कहते हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे हुए, गांधी जी जेल में थे तो एक व्यक्ति उन्हें रोज जब चाहे कुछ भला बुरा कहता था, कभी कभी तो धक्का आदि भी दे देता था। और कहते हैं वो दो दिन दिखा नहीं, गांधी जी ने कहा वो व्यक्ति दिख नहीं रहा, लोगों ने कहा अच्छा शांति तो है, आप काहे को याद कर रहे हैं। फिर बोले नहीं दिखता था तो ऐसा लगता था ना कि है नहीं कहाँ है। तो एक ने कहा कि अच्छा हुआ वो आपके साथ इतना गलत करता था व्यवहार, आज उसे बुखार आया, वो पड़ा हुआ ना। गांधी जी गए और पट्टियां रखी, पैर हाथ में मालिश की, वो तो घबरा गया, उसे नींद खुली तो हो सा, तो कहने लगे कोई बात नहीं भाई तेरी बहुत याद आती थी। उसने कहा मेरी याद, मैं तो याद करने लायक ही नहीं है। कहने लगे दोनों की याद की जाती है, कोई बात नहीं, तू अपना कर्म करता था मैं अपना कर्म करूंगा। इसलिए आज से मोक्ष मार्ग की, लोग कहते माता जी हम गृहस्थी में कैसे रहे कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। अभी दीपा ने पूछा कि माता जी घर में रह के कैसे रहे, तो घर में ऐसे रहो जैसे धर्मशाला में रहते हो, घर में ऐसे रहो जैसे हॉस्पिटल में मरीज रहता है, घर में ऐसे रहो जैसे ब्याही बेटी पियर में रहती है, घर में ऐसे रहो जैसे मुनीम रहता है। आप सच बताना मुनीम के हाथ से दिन भर नोट गिने जाते हैं,
दिन भर नोट मालिक के हाथ में नहीं आते, मुनीम ही गिन के रखता है, मुनीम ही बैंक में डाल कर आता है। लेकिन सच बताना, यदि कभी घाटा पड़ जाए तो मुनीम आकर घर में बेफिक्र सोता है और मालिक को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसकी परिणति में फर्क है। उसे पता है कि सेठ का है, मैं तो सिर्फ गिनने वाला हूँ, मेरे तनख्वाह से आगे और कुछ वास्ता नहीं है। हम भी यही परिणति लाएं कि हमें तो जो मेरे कर्म में है उससे अलावा कुछ नहीं। लोग कहते क्या करें माता जी, कर्म कैसे बदलें? मैंने कि कर्म नहीं बदले जाएंगे, वो तो तीर्थंकरों को भोगना पड़ा, हमें भी भोगना पड़ेगा। लेकिन कर्मों के उदय में, कर्म तो संभावना है, हमें विचलित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कर्म तो चना है, चाहो तो आप बूंदी बनाकर खाओ, चाहे तो नमकीन बनाकर खाओ, और चाहे तो बेसन की कड़ी बनाओ या कच्चे चने चाप जाओ तो बीमार हो जाओ। ध्यान रखना, चना तो चना है, कर्म कर्म है। कर्म की कोई सत्ता हम पर नहीं चलती, यदि कर्मों की सत्ता चलती तो तीर्थंकर कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते थे। वो तो हमारी कमजोरी है, हम सोए पड़े हैं तो कर्मों ने राज्य कर लिया है। तो कहा था ब्याही बेटी की तरह रहो, ब्याही बेटी पियर में आती है तो सबसे अच्छे से बोलती है, जैसा घर में सबके साथ सलूक करती थी वैसे ही बोलती है। वैसे ही पिताजी को टाइम पर चाय देना, नाश्ता देना, माँ से बातें करना, सब कुछ कपड़े वो धोना, जो भी घर का काम होता है टाइम से करती है और अच्छे से करती है। लेकिन सच बताना, बाहर से काम करती हुई दिखती है, अंतरंग में क्या चलता है? अंतरंग में प्रत्येक क्षण क्या चलता है? ससुराल या फिर वहाँ के लोगों का व्यवहार चलता है, वहाँ की स्मृति चलती है। यदि सगाई भी हो जाती उस घर को देखा नहीं होता, अभी गई नहीं है, लेकिन घर में सुनती है कि उनके इतने कमरे हैं, उनका ये बिजनेस है, तो कल्पना में घर बना लेती है वो। हमने ध्यान रखना, हमने सुन रखा है कि सिद्धशिला ऐसी होती है, ऐसा वहाँ शांति है। गए नहीं तो क्या हुआ, एक बार आकर्षण बन जाए कि वही घर मेरा है, फिर यहाँ की परिणतियाँ कोई असर नहीं डालेंगी। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आबलता व्यापलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की थी। और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधना की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से कर है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतंकता का व्यापकता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संत मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500525, IFS कोड ICICI00250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।